गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके समीकरण और सबसमीकरण वाले अध्याय की बात कर रहे थे। उसी अध्याय में हमने आपको बताया था समीकरण क्या है, ठीक है। समीकरण क्या है, समीकरण के टाइप भी बताए, सबसमीकरण, सबसमीकरण, समीकरण में अंतर क्या है, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बताया। आज हम बात करेंगे जो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, उनका गुणा किस प्रकार है, आपको जोड़ना घटाने संबंधी, हल करने समीकरणों को हल करने संबंधी मैंने विधियां भी बता दी है। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, जैसे समीकरण के सॉल्व करेंगे x² + x + 1/x = 7 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात, का मान ज्ञात, यानी x + 1/x का मान दे रखा है 7, x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे यहां इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 1+x यानी मैं लेता हूं, हल करते हैं यहां से, x + 1/x = 7, दोनों पक्षों का वर्ग करने को समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते तो क्या हो जाएगा, x + 1/x² = 7, ठीक है, ये होगा। अब इस तरीके से बात करते तो हम पक्षों का वर्ग किया तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई, ये मेरी कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये मेरी बन गई a + b² और a² + b² + 2। इसका अगर विस्तार से करेंगे तो कौन सी सबसमीकरण मेरी a + b² = a² + b² + 2, ठीक है। अब इसी को सदन देखिए, इसी सबसमीकरण के आधार पर इसको सॉल्व किया जाएगा, x² + 1/x², ठीक है। एक का स्क्वायर पर तो एक ही रहेगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x² + 2 × x × 1/x, यहां देखिए ए क्या हो गया मेरा, ये हो गया, और बी क्या हो गया, ये हो गया, यानी 1/x बी हो गया, और 1/x क्या हो गया मेरा बी हो गया, और एक्स क्या हो गया मेरा ए हो गया, यानी इसकी बात करेंगे तो ए मान लेते हैं इसमें और इसको बी मान लेते हैं, बस उसी प्रकार से करना है, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ठीक है। बराबर कितना चल रहा है, 14, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, बस x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 2, तो बस क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर कर देता हूं, x² + 1/x² + 2 = 2 = 9। तो अब मुझे किसकी वैल्यू याद करनी है, x² + 1/x² की, तो x² + 1/x² अगर ये अचल राशि को इसे अचल राशि की तरफ ले जाऊंगा पश्चांतरण करके तो -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो x² + 1/x² = 9, ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू दे दीजिए 9 और x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब का जैसे एक्स प्लस वन अपन एक्स है टू बराबर है टू वन अपन एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स क्यू का मान ज्ञात करके देखिए इसको टाइप कीजिए। उसी की तरह देखो इसमें भी मैं हम करता हूं आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाना, यानी एक्स क्यू सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 9, ठीक है 9 लिया है, दोनों पक्षों का समीकरण के दोनों पक्षों का समीकरण के दोनों पक्षों का घन करना, क्या करने का घन करना क्यूब करना, ठीक है दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए यानी घन कर दीजिए दोनों पक्षों का, यानी घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स की और क्यूब इक्वल टू 9 घात 3, ठीक है 9 घात 3 यानी x इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आपने ये वाली सब समीकरण पढ़ी होगी a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होगा a प्लस b, ठीक है ये वाली सब समीका आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, उसी सब समीका के आधार पर इसको हम करते हैं, ठीक है इस तरीके से देखिए x का क्यूब इसका खोलेंगे इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा वही a और ये b, तो a खोलेंगे तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब प्लस 3 गुणा x गुणा वन अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है अब ये देखिए इस समीकरण को हल करना है मुझे तो अब इस तरीके से यहां लिखते हैं एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा था मुझे 9, तो उसकी वैल्यू रख देनी है, ठीक मैं इस समीकरण को इधर से सॉल्व कर देता हूं, यानी मेरे पास बच्चा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है और प्लस 3 इंटू 9 यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना दे रखा था 9 दे रखा था तो 9, ठीक है चलिए एक्स एक्स क्यूब यानी और इक्वल टू कितना था सॉरी इसका इक्वल टू कितना 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब कितना होता है 700
29, कितना होता है 729 बराबर, यहां भी 729 चलेगा। ठीक, अब एक्स क्यूब वन अपन एक्स क्यूब की वैल्यू याद करनी थी तो 27 और 27 यानी 729 माइनस 27, इस 27 का किधर प्रतिलोम कर देंगे तो 27 और मेरे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 में से 729 में से 27 ले तो कितना बचा 702। तो ये मेरा आंसर। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। अब बात करते हैं व्यंजकों के गुणनफल, यानी व्यंजकों का गुणा हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे देखिए गुणा करने के लिए जैसे हम सिंपली गुणा करते हैं, यानी व्यंजकों के गुणनफल। ठीक, व्यंजकों का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे ले लिया कोई भी मेरे पास एक्स इंटू सिक्स, ठीक है, एक्स गुणा छह बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे ही संख्या को गुणा करते हैं, पर एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है इसलिए एक्स को अगर 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, जैसे एक्स की जगह ए होता तो 6 हो जाता। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में इस प्रकार से हम गुणा करते हैं तो वो इसी प्रकार से होता है। जैसे कोई एक समीकरण ले लीजिए, टू एक्स प्लस वाई इंटू टू, अब इसको गुणा करना है, कैसे करेंगे गुणा? ठीक है, यानी इसका गुणा दो वाई का गुणा इन दोनों में होगा, दो वाई का गुणा इनमें दोनों का आना है, दो से दो का गुणा किया तो कितना हो गया 4 और एक्स और वाई तो एक्स। ठीक है, प्लस वाई का दो वाई है, ये वाई का गुणा कर दिया तो वाई और दो, या एक ही बार है तो दो का दो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, दो वाई स्क्वायर प्लस 4x जो कल कुछ। ठीक, यानी इस प्रकार से गुणा जैसे हम सिंपली गुणा करते हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम गुणा करने, बस क्वेश्चन नहीं है आपको गुणा में अगर x y है, जब y y को गुणा करेंगे तो हमेशा याद रखना कि जैसे हम संख्याओं का गुणा करते हैं, दो का गुणा दो से करेंगे तो क्या होगा वर्ग ही होता है, यानी दो गुणा दो यानी 4 हो गया, जैसे मैंने किया 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 4, और इसको मैं इस तरीके से 4 को मैं इस तरीके से लिखू तो बात यही है, इसलिए y का हमें मान नहीं पता होता है, इस प्रकार से टेस्ट हो जाए, इसे नोट कीजिए आगे बढ़े।
जैसे कोई समीकरण दे दी है, मैंने समीकरण ली 9x+4y-6z और को टू एक्स से गुणा तो कर दीजिए, इससे गुणा कर रहे तो हम करते हैं, हमारे पास क्या है यानी 9x+4y-6z और गुणा कितना है 2। बस 2 का गुणा कर दीजिए, 2 को 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 12 और x को x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 12। फिर 4y+2x8xy यानी x और 2 6 12 यानी 12x, ये हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए, अभी तो ये जैसे एक पद से ही कर रहे थे, अगर बहुपद हो तो इस प्रकार से x + y+z से गुणा यानी हल करते हैं, किस किस को गुणा करना है 2x² + 4y² + 6z² गुणा करना है हमें किससे, गुणा x + y+6 कीजिए गुणा, करके देखो x से हो गया, अब प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दीजिए, अब मैं क्या करता हूं y से, तो y × 2x² + 4y² + 6z² आप प्लस का चिन्ह तो फिर प्लस का लगा दीजिए, और मतलब जो चिन्ह हो यहां पर जैसा मुझे जेड से बना, जेड से पहले किसका चिन्ह प्लस का चिन्ह, तो प्लस का अगर माइनस का है तो माइनस का लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे तो देखिए जेड से करेंगे तो जेड गुणा 2x² + 4y² + 6z, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, इतना हो जाएगा x को 2x² से तो 2x³ + 4y³
प्लस छ एक्स चेक्स, ठीक है, प्लस दो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, दो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, दो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस चार वाई क्यूब हो गया, प्लस छह वाई जेड, ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं, इसे दो एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस प्लस, अब जेड से फोर बाई स्क्वायर को बड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर बाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब कितना आएगा जेड स्क्वायर, तो प्लस सिक्स जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है तो सिक्स, सॉरी जेड आऊंगा, जेड स्क्वायर तो सिक्स जेड की। अब इसको और इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट, और इसको इजी बनाना है तो हमें क्या करना होगा उसको देखो, सिस्टमेटिक वे से जमा दीजिए इसको, थ्री एक्स क्यूब ठीक है प्लस फोर वाई क्यूब प्लस सिक्स जेड क्यूब, सॉरी हाँ सही है जेड क्यूब, उसके बाद प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर, फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस सिक्स जेड जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स यानी हाँ प्लस टू टू एक्स स्क्वायर है। अब देखिए अब क्या रह गया, ये हो गया हमारे पास एक्स जेड रह गया है, तो चलिए इसको ही ले लेते हैं, सेवन सॉरी प्लस सिक्स सिक्स एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या रह गया प्लस सिक्स वाई जेड स्क्वायर, और इसमें रह गया आपका प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, और भी इजी करना है तो जो सेम सेम वाले उनको जोड़ दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, एक्स वाई है, ठीक है, जैसे एक्स वाई ये जुड़ जाए, ये इस तरीके से इनको जोड़ के और भी इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे
एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x² ((-6xy) इसको गुणा करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले हमेशा नंबर नंबर को गुणा करेंगे, 6 और 3 को गुणा किया कितना 18, 6 किसका है माइनस का, 3 किसका है प्लस का, तो माइनस का 18, x² और x को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² ((x), इस पे कितनी घात है 1 और इस पे कितनी है 2, जब घात से गुणा में जब कोई व्यंजक यानी आधार समान होते हैं, ये आधार समान होते हैं और संख्याएं गुणा हो रही होती हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x यानी 2+1 कितना हो जाएगा 3, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 और y गुणा y यानी दोनों पे तो y इस, ठीक है नोट पे इसलिए इसको भी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी की तरह, x+2 और x+5 का गुणनफल क्या है, का गुणनफल गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है, यानी गुणनफल ज्ञात करना है तो x+2 × x+5, ठीक है। अब वही उसी प्रकार से x को पहले x+5 से गुणा कर दीजिए, तो x x+5, ठीक है, इंटू प्लस का चल रहे दोनों के बीच में कोई सा भी ले लीजिए, ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, +2 से गुणा करेंगे तो 2x+5 कितना आ जाएगा x²+5x+2x+10। अब ये देखिए 5x 2x सेम है तो कितने हो जाएंगे x² + 7x+10 = 8। इस तरीके से आप व्यंजकों का गुणन करते हैं, इसमें से जो भी क्वेश्चन आप करके देखना और नहीं समझना है तो मुझसे, ठीक है, और इसकी सारी एक्सरसाइज को लगाकर आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, धन्यवाद।